हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो आज आप सभी का लॉक इस दुनिया में हार्दिक स्वागत है। और आज हम सभी जो पिछली वीडियोस में बच गया था लेक्चर्स में, उसको आज हम सभी कंटिन्यू करेंगे। और फैमिली लॉ में हम लोग हिंदू लॉ के विषय में जान रहे थे, पढ़ रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने हिंदू लॉ में फैमिली लॉ को समझ लिया है, उसे डिफाइन कर चुका है कि फैमिली लॉ क्या होता है। एक्चुअली ये फैमिली लॉ है, लॉ क्या है ना, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है विच रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर। तो लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट विच रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर एंड द टर्म रिलेटेड टू फैमिली। द फैमिली टर्म रिलेटेड टू द फैमिली रिलेशनशिप्स। ओके, एंड द सो हाउ कैन वी डिफाइन द फैमिली लॉ? एक्चुअली इन आवर सिस्टम फैमिली लॉ रिलेटेड टू द बॉडी ऑफ लॉ रेगुलेटिंग फैमिली रिलेशनशिप्स गवर्निंग द मैरिज एक्ट, डाइवोर्स एक्सेट्रा। सो द बॉडी ऑफ लॉ रेगुलेटिंग फैमिली रिलेशनशिप्स इंक्लूडिंग मैरिज, डाइवोर्स। ओके, सो ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द फैमिली लॉ। ये सारी चीज़ के विषय हम लोगों ने जान लिया था। फिर हमारा ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, जो भी चाइल्ड की या कोई चिल्ड्रेन का देखभाल किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है, वो सारे किस में होती है? वो सारा का सारा जो है वो फैमिली लॉ में हम लोग जानते हैं, समझते हैं। और फिर उसी में हमारा फैमिली लॉ में है हिंदू लॉ। हिंदू हिंदुइज्म को हम लोगों ने डिफाइन किया था कि हिंदुइज्म क्या है। हिंदू ए हिंदू इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन द रिलीजन। हिंदू वह पर्सन है जो बिलीव्स करता है अपने धर्म में, अपनी विश्वास रखता है, आस्था रखती हो। जो भी पर्सन अपनी जो भी व्यक्ति अपने धर्म में आस्था रखता हो, विश्वास रखता हो, वो हिंदू कहलाता है, उसे हिंदुइज्म कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस कड़ी में हम लोगों ने देखा था हिंदू लॉ को। सो इन इंडिया वी हैव ए सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉ, है ना। तो पर्सनल लॉ है जो अपार्ट फ्रॉम जनरल लॉ, जो जनरल लॉ से बहुत ही डिफरेंट है ना। तो पर्सनल लॉ अब जनरल लॉ से बहुत ही डिफरेंट है। कैसे? सो बिकॉज पर्सनल लॉ जो होती है वो किसके लिए अप्लाई करते हैं हम लोग? उस उन लोगों के लिए, दोज हु प्रोफेस एट ए पार्टिकुलर रिलीजन, जो कोई खास किसी विशेष धर्म को क्या देते हैं, प्रेफरेंस करते हैं, उन्हें उन्हें अभ्यास मिलाते हैं। जैसे कि हम लोग हिंदू विधि, हिंदू लॉ जो है अप्लाई करते हैं हिंदू के लिए, मोमडन लॉ यूज़ करते हैं हम लोग मुस्लिम के लिए, क्रिश्चियन लॉ यूज़ करते हैं हम लोग क्रिश्चियन के लिए। तो ये सारा जो है अलग अलग विधि हम लोग अलग अलग जो है समाज में, हमारे देश में जो भी धर्म की संप्रदाय के लोग हैं, उन सब में उन सब के लिए अलग अलग धार्मिक संप्रदाय के लिए एक अलग अलग जो है विधि को क्या करते हैं, लागू करते हैं। वे अलग अलग विधि से शासित है। तो हिंदू लॉ क्या है? हिंदू लॉ इज ए सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉ, है ना। तो एक्चुअली में हिंदू लॉ इज ए सेट ऑफ पर्सनल लॉ गवर्निंग द सोशल कंडीशन ऑफ हिंदू। जैसे शादी विवाह, मैरिज, डाइवोर्स हो जाता है, वो भी एक चीज है ना। एडोप्शंस, है ना, दंपत्ति ने गोद ले लिया बच्चे को। इनहेरिटेंस, है ना, माइनॉरिटी, गार्जियनशिप, फैमिली मैटर्स, ये सारा चीज़ किस में आता है? ये सारी की सारी चीज़ें आएंगे हिंदू लॉ में। हम लोगों ने हिंदू लॉ को दो टर्म्स में डिफाइन किया था कि हिंदू लॉ जो है, एक तो हिस्टोरिकल टर्म्स हमने देखा था कि हिंदू लॉ हिस्टोरिकल टर्म्स के अनुसार इट रिफर्स टू द कोड ऑफ लॉ अप्लाइड टू द हिंदू, है ना, बुद्धिस्ट, जैन, सिख इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि अंग्रेज के जमाने में, अंग्रेज जब भारत में थे उस समय हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख पर जो हम लॉ अप्लाई करते हैं उसे हम हिंदू लॉ कहते थे। मॉडर्न स्कॉलरशिप के अनुसार क्या है? अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न स्कॉलरशिप हिंदू लॉ रिफर्स टू द लीगल थ्योरी को रिप्रेजेंट करता है, ज्यूरिसप्रूडेंस को रिप्रेजेंट करता है, न्यायिक व्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है हिंदू लॉ, जिसमें आप फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन को देखते हैं नेचर ऑफ लॉ में, जो डिस्कवर हुआ कहाँ, विच वॉज डिस्कवर्ड इन द एंशियंट एंड मिडिवल एरा, जो प्राचीनतम समय में और मध्यकालीन समय में क्या हुआ था, इसकी खोजबीन हुई थी। अब हम इसी कड़ी में हम लोग देख रहे हैं कि हिंदू कौन है, हु आर हिंदूज, है ना, हु आर हिंदूज। तो चलिए हम लोग देखते हैं हु आर हिंदूज। फैमिली लॉ में हम लोग देख रहे हैं हु आर हिंदूज। फैमिली लॉ में हम लोग देख रहे हैं हु आर हिंदूज, हु आर हिंदूज, हु आर हिंदूज। हिंदू हिंदू कौन है? हु आर हिंदूज, हु आर हिंदूज, ये क्वेश्चन है हमारा। क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि हम सभी
एक ऐसे देश में है जहाँ पर पूर्व में जब मुस्लिम नहीं थे हमारे देश में, उस समय हम सभी की जो राष्ट्रीयता का जो द्योतक का प्रतीक है थी वो क्या थी? हिंदू। हिंदू ही थी जो हमारी नेशनलिटी को डिनोट करती थी। इट डिनोट्स आवर नेशनलिटी, राष्ट्रीयता को क्या करती थी? सूचित करती थी हमारी हिंदू। ठीक है, चलिए हिंदूस कौन है? तो एनी पर्सन हु फॉलोज, एनी पर्सन हु फॉलोज हिंदू रिलीजियन, हिंदू रिलीजियन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म, इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म एंड डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट आइदर बाय प्रैक्टिसाइजिंग इट, प्रैक्टिसाइजिंग प्रैक्टिसाइजिंग आइदर इट प्रैक्टिसाइजिंग इट और प्रोफेसिंग इट, प्रोफेशन में लाना, प्रोफेसिंग इट, प्रोफेसिंग इट इज ए हिंदू। वो कौन है? हिंदू। तो जो हमारे हिंदू रिलीजन, हमारे हिंदू धर्म को फॉलो करे, उसमें आस्था रखे, उसमें विश्वास रखे, इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म, उसके किसी भी प्रकृति में, स्वभाव में और उसके विकास में, आइदर बाय प्रैक्टिसाइजिंग इट, उसको अभ्यास में लाकर या फिर उसको प्रोफेशन में लाकर, एज ए क्या करते हैं हम लोग दैन दिन यानी डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें हम कर रहे हैं उसमें हिंदुत्व तो दिखना चाहिए या प्रोफेसिंग इट, वो हिंदू कहलाते हैं। ठीक है, बिफोर The advent of Muslim in India, the term Hindu Hindu has no creedal connotation, but it has territorial significance, has strategic significance and also denotes nationality. चलिए तो हम लोग यहां देख रहे हैं, ये देखिए आपको मैंने बताया था कि जब हमारे देश में मुस्लिम नहीं थे उस समय क्या था, ये हिंदू जो टर्म है, ये जो हिंदू वर्ड है, इसका कोई भी धर्म से कोई मतलब नहीं था, इसका 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 धर्म नहीं था। जो टर्म हिंदू है इसके पास कोई भी कट्टरपंथ नहीं थी, है ना, इट हैज नो क्रीडल कनोटेशंस, कोई कट्टरपंथ का मतलब नहीं था इसका। तो इसका अर्थ था प्रादेशिकता, टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस थी इसका मतलब, है ना। तो हिंदू टर्म हैज ट्रेटियल सिग्निफिकेंस, इसका इसकी अपनी ही प्रादेशिकता की महत्वता इसके पास, है ना। दूसरी बात थी ये हमारी राष्ट्रीयता का द्योतक था, है ना। चलिए तो वही चीज यहाँ पर, बिफोर द एडवेंट ऑफ मुस्लिम इन इंडिया द टर्म हिंदू हैज नो क्रीडल कोनोटेशन। क्रीडल मीन्स होता है पंथ, किसी चीज को मानना, मानने वाले जो होते हैं पंथ, है ना।
जिसमें पूरी तरह से विश्वास रखते हैं, उसमें लग जाते हैं तन मन धन से। लेकिन बट इट हैज ट्रिटियल सिग्निफिकेंस एंड ऑल्सो डिनोट्स नेशनैलिटी, ये डिनोट्स करती है नेशनैलिटी को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हिंदू टर्म जो है मुस्लिम से पहले हमारे देश में हिंदू हार्ट मिलाने वाले सारे लोग हिंदू कहलाते थे। जैसे आज हम सभी कहते हैं हम सभी भारतीय हैं, उसी तरह जब ब्रिटिश से भी पहले जब मुस्लिम नहीं थे तो हमारे देश में रहने वाले प्रत्येक लोग सभी लोग हिंदू थे। ठीक है, तो हिंदू टर्म हैज नो क्रेडल कनोटेशन। चलिए देख सकते हैं वर्ड यूज। चलिए तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि द वर्ड हिंदू कैम इनटू वो प्रचलन में आया along with the advent of Greeks called inhabitants of Indus Valley as Indoi and designation were made to denote nationality। अब देख सकते हैं किस तरह से है ये nationality। तो ये जो हिंदू वर्ड है ये प्रचलन में आया कैमिंग टू वो अलोंग विद एडवेंट ऑफ ग्रीक्स। हमारे देश में जब भी ग्रीक्स आए तो उनके ही साथ क्या आया था हिंदू वर्ड, उसको कहते थे हम इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली, यानी सिंध घाटी में, सिंध नदी घाटी के निकट रहने वाले जो लोग निवासी हैं उनके साथ ये हिंदू वर्ड आया जिनको हम क्या कहते थे इंडोई कहते थे। एंड डिजाइनेशन वर्ड मेट टू डिनोट नेशनलिटी। एक्चुअली में क्या है कि सिंध जो नदी है हमारी सिंध घाटी है, इस नदी के घाटी के किनारे कुछ लोग रहते थे है ना, वहाँ पे ग्रीक भी आए तो उनके साथ ये हिंदू वर्ड आया क्योंकि सिंध घाटी के निकट रहने वाले लोगों को जो ग्रीक लोग थे वो उनको इंडोई कहते थे। और अंग्रेज भी उस समय जो है उनको कहने लगे, मुसलमान भी आए तो वहाँ भी वो लोग इंडोई कहने लगे है ना। तो इंडोई शब्द से ही हमारा जो टर्म निकला है हिंदू टर्म लिख दिया। ठीक है, द टर्म हिंदू वॉज डराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज इंडोई। ठीक है, चलिए फिर हमारा है कौन सा मेजर एक्ट्स। एक्चुअली हिंदू गवर्न बाय द फ्लोइंग मेजर एक्ट्स, कुछ इसमें महत्वपूर्ण एक्ट है तो वो हिंदू उससे क्या होते हैं हिंदू की व्यवस्थिता, इसको हम कंसर्नेशन कहते हैं, वो इंडिकेट होती है। जैसे कि पहला है मेजर एक्ट सेंस में द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। दूसरा है हमारा द हिंदू adoption, the Hindu adoption and the Hindu adoption and maintenance act,
मेंटेनेंस एक्ट 1956। द हिंदू माइनॉरिटी एंड द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 देख सकते हैं, द हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट 1956। चलिए देख सकते हैं आप किस तरह से आप यहाँ पे हैं, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये। चलिए तो अब हम लोग देखने वाले हैं सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ एक्चुअली में देखिए यहाँ पे अ पर्सन बिफोर 1955 आप देख सकते हैं, तो बिफोर 1955 पर्सन हु आर हिंदू बाय रिलीजियन वॉज सर्टेनली वी आर हिंदू वॉज सर्टेनली बी हिंदू सो वॉज सर्टेनली बी आर हिंदू के नाउ So it seems a person who is Hindu by religion was certainly be Hindu since Hindu law applied to them Hindu law applied to them, so called Hindu. फिर आती है हमारा ये एक और चीज है जिसको हम कहते हैं कि वो पर्सन जो कि क्या हो हिंदू हो किसी धर्म एक हिंदू धर्म से वो अगर हिंदू है कोई कोई धर्म से हिंदू है जन्म से हिंदू है ठीक है तो डेफिनेटली वो हिंदू है और उस पर हम हिंदू विधि हिंदू लॉ को अप्लाई करते हैं तो उसे मानते हैं हम क्या कि वो व्यक्ति हिंदू है ठीक है अब है देयर वर पर्सन कुड हार्डली बी हिंदू बाय रिलीजन ओके देन वी हैव रीच्ड अ स्टेज व्हेन इट वाज इजी टू इंडिकेट अ हिंदू नेगेटिवली बिकॉज अ पर्सन हु वाज नॉट मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी जी आर हिंदू ठीक है वो सभी क्या है वो हिंदू है मतलब जो क्या है जो मुस्लिम नहीं है जो क्रिश्चियन नहीं है जो पारसी नहीं है जो जुई नहीं है तो वे सारे क्या है वो सारे के सारे लोग जो है हिंदू है ठीक है अब हम लोग देखते हैं सोर्सेस ऑफ लॉ के विषय में ठीक है चलिए सोर्सेस ऑफ लॉ में हम लोग देख लेते हैं कि अच्छे से देखिए सोर्सेस ऑफ लॉ में देखिए अच्छे से तो देख सकते हैं बिफोर 1955 पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन वाज सर्टेनली बी हिंदू एंड सिंस हिंदू लॉ अप्लाई टू देम सो कॉल्ड हिंदू चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ इसके दो सोर्स हैं एक सोर्स को हम कहते हैं ट्रेडिशनल सोर्स दूसरा है हमारा आपका एक होता है ट्रेडिशनल सोर्स एक आता है आपका मॉडर्न सोर्स
तीसरा सोर्स में देखिए आपका द वेद, वेद आ जाता है विद द स्मृति, स्मृति डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू रिलीजन। फिर आता है कस्टम। चलिए तो ये आपका ये पहला हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा ये है और चौथा ये ट्रेडिशनल सोर्सेस है हिंदू लॉ के। फिर आता है आपका इसमें मॉडर्न सोर्स में पहला आएगा, इसको कहेंगे हम लोग जस्टिस, न्याय, जस्टिस। फिर है हमारा इक्विटी, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, अच्छा विवेक, कंसाइंस। फिर आती है हमारा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। तीसरा है हमारा प्रेसिडेंट के बाद है हमारा लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन। तो सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में देखिए पहला है हमारा ट्रेडिशनल सोर्स, दूसरा है हमारा मॉडर्न सोर्स। ट्रेडिशनल सोर्स पे हमारा है द हिंदू, ट्रेडिशनल सोर्स पे हमारा है द वेद्स, द स्मृतिस, द हिस्ट ऑफ हिंदू रिलीजन एंड चौथा है हमारा कस्टम। मॉडर्न सोर्स में आता है जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन। चलिए अब देखिए ये जो हमारा सोर्सेस ऑफ लॉ है इसमें हमारा पहला है ट्रेडिशनल सोर्स, इसमें आज हम लोग वेद के विषय में चर्चा करेंगे, वेद। चलिए तो वेद क्या होती है, वेद आप लोग समझते हैं, वेद चार वेद होते हैं। एक्चुअली वेद मीन्स होता है नॉलेज, ज्ञान, ठीक है। किसी भी चीज़ का जो ज्ञान होता है उसे हम वेद कहते हैं, तो वेद जो है एक ज्ञान ही है, ठीक है। तो जनरली देर आर फोर वेद विच वॉज द फाउंडर हेड ऑफ हिंदू रिलीजन एंड लॉ, हमारे हिंदू धर्म, हमारे हिंदू विधि की एक फाउंडर हेड है, हेड जो गवर्न करता है सारी चीज़ों को, ठीक है। इसमें पहला हमारा वेद्स आता है वो क्या है, हमारा आता है पहला ऋग्वेद, दूसरा वेद आता है हमारा यजुर्वेद, इसको हम सेक्रिफिशियल वेद कहते हैं, तीसरा हमारा आता है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद, ठीक है। तो इस चार, ये चारों के चारों मिलकर हमारा वेद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो देर आर फोर वेद्स इन आवर इंडियन कल्चर, हमारे इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति सभ्यता में चार वेद का वर्णन किया गया है। चलिए तो वेद, वेद वेद, वेद मीन्स नॉलेज, नॉलेज। वेद मीन्स नॉलेज, तो वेद्स मीन्स होता है नॉलेज एंड ये वेद जो है इनके चार भाग है, वेद्स हैज फोर पार्ट्स। पहला वेद है हमारा ऋग्वेद, दूसरा वेद है हमारा यजुर्वेद, तीसरा है हमारा सामवेद, समवेद, चौथा है हमारा जो कि लास्ट एंड फोर्थ वेद है वो है हमारा अथर्ववेद, 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 ठीक है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो पहला ये हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए जो हमारा इंडियन कल्चर में जो हमारा फर्स्ट वेद है जो कि सबसे ओल्डेस्ट वेद कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड ऋग्वेद संहिता इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको कहेंगे हम इट इज ओल्डेस्ट, इट इज फर्स्ट and oldest, oldest and it is collection of
कलेक्शन ऑफ हिनवे हिनवे इट इज कलेक्शन ऑफ हिन एंड इट कंसिस्ट ऑफ 1028 हिन अरेंज्ड इनटू 10 मंडल्स स्मॉल ग्रुप्स विच डिवाइडेड into smaller groups compilation of each groups compilation is क्या है संकलन समावेश compilation of each group क्या डिनोट करती है वो ascribe करती है to be the renowned century of post Christ है ना तो compilation of each groups ascribed उत्तरदायित्व है किसके लिए ascribed to be renowned saintly post priest Rishi in ancient times ठीक है तो compilation of each groups ascribed to be renowned recently post priest Rishi in ancient times तो प्रत्येक ग्रुप देखिए यहाँ क्या है ऋग्वेद क्या है फर्स्टली इट इज फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट इट इज कलेक्शन ऑफ हिन एंड इट कंसिस्ट ऑफ 1028 हिन अरेंज्ड इनटू 10 मंडल्स ये 10 मंडल्स में क्या है डिवाइड हो जाती है वेज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स एंड द कंपाइलेशन ऑफ ईच ग्रुप्स एस्क्राइब उत्तरदायित्व है किसके लिए टू बी रिनोन्ड मीन्स जो प्रसिद्ध है जो प्रसिद्ध ऋषि मुनि है सेंट्रली पोस्ट प्रिस्ट पुजारी है उनके लिए प्राचीनतम समय में तो प्राचीन समय में जो भी सन्यासी थे हमारे है ना जो भी ऋषि मुनि थे उनके लिए जो ग्रुप्स बटे हुए थे मंडल थे उस समय तो उसके लिए ऋग्वेद है उन वो सभी का वर्णन किस में किया गया है ऋग्वेद में हमारा उस सभी का वर्णन किया गया है ठीक है और दूसरा जो वेद है हमारा वो है यजुर्वेद इसको हम लोग सेक्रीफिशियल वेद कहते हैं तो सेक्रीफिशियल वेद क्या है एक्चुअल में इसको यज्ञ वेद कहते हैं इस समय क्या है इस तरह के वेदों में यज्ञ का वर्णन किया गया हम लोग घर पूजा पाठ में यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का वर्णन किया गया इट इज लिटरली अरेंज्ड इट इज लिटरली अरेंज लिटरली मीन्स सो ये इसको क्रमिक ढंग से अरेंज किया गया है इनटू पार्ट ऑफ द हिंस ऑफ द ऋग्वेद विथ एडिशन फॉर इंटोनिंग इन सिस्टमेटिकली अरेंज्ड ठीक है तो इसको सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया है ये ऋग्वेद का ही कुछ समावेश है इसका कुछ मिलता जुलता भाग है ना इसको लिटरली अरेंज किया गया है इसमें सेक्रीफाइसेस का वर्णन किया गया है यज्ञ का वर्णन किया गया है किसमें यजुर्वेद में ठीक है चलिए तो दूसरा है हमारा यजुर्वेद देखिए दूसरा हमारा है यजुर्वेद दूसरा हमारा यजुर्वेद है इसमें क्या होती है इसको कहते हैं हम लोग सैक्रिफिशियल वेद इसमें संघर्ष पूर्वक संघर्ष को दर्शाया गया है सैक्रिफिशियल वेद में इट इज
लिटरली लिटर्जिकल 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 इट इज लिटर्जिकल अरेंजमेंट लिटर्जिकल अरेंजमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द हिम ऑफ ऋग्वेद ऋग्वेद with addition चलिए तो it is liturgical arrangement of the part of hymn of Rigveda. तो ये hymn वेद का ही hymns का एक part होता है, एक liturgical arrangement को दर्शाया गया है इसमें, ठीक है. तो इसमें एक स्वर को denote किया जाता है जो कि sacrificial वेद है, जो कि इसमें यज्ञ को दर्शाया जाता है. चलिए जो हमारा तीसरा है वो है हमारा सामवेद. सामवेद सामवेद क्या है? तो इट इज ऑल्सो थर्ड वेद. इट इज थर्ड वेद एंड ऑल्सो लिटर्जिकल 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 अरेंजमेंट लिटर्जिकल अरेंजमेंट It is liturgical arrangement of some part, some of hymn of the hymn of the Rigveda. And is intended to be and intended to be intended to be intended to be chant at particular sacrifices ठीक है. तो एक तरह का मंत्र है जो कि किसी खास यज्ञ में प्रारंभ किया जाता है सामवेद के अनुसार, ठीक है. तो सामवेद जो है क्या है? सामवेद क्या होती है? सामवेद एक्चुअली में इट इज थर्ड वेद एंड इट इज आल्सो लिटरली अरेंजमेंट है ना, हिंस ऑफ सामवेद. एक्चुअली में क्या होता है ये, इसमें चंट वेद कहा जाता है, इसको चंट वेद है, इसको मंत्र उच्चारण किया जाता है, इसमें मंत्रों को सम्मिलित किया गया है इस तरह के वेदों में. तो सामवेद में क्या है जिसमें मंत्र सम्मिलित हो, है ना. तो चंट वेद में जो है मंत्र को डिनोट किया जाता है, पता होनी चाहिए आपको. किसी खास यज्ञ में जो है मंत्र उच्चारण किया जाता है उसका वर्णन किसमें किया गया है? सामवेद में किया गया है. चलिए एट ए पार्टिकुलर सेक्रीफाइस. तो हमारा अब आता है फोर्थ वेद जो कि हमारा लास्ट होता है अथर्ववेद. ये क्या होती है? तो इट इज फोर्थ एंड लास्ट वेद. It is fourth and last wave which has hymn from the Rigveda which has hymn from the Rigveda. And इसके पास भी कुछ ना कुछ ऋग्वेद से कुछ ताल्लुकात इसमें रहता है. तो अथर्ववेद में ऋग्वेद से ही कुछ संबंधित बातें उल्लेखित की गई है, ठीक है. चलिए अब हम इसमें क्या है, अथर्ववेद में क्या होती है कि जो हम लोग क्या करते हैं कुछ को प्रारंभ किया जाता है, ठीक है ना. तो ये वेद जो है दिस वेद contain passages
दिस वेद कंटेन पैसेज इन प्रोज प्रोज दिस वेद कंटेन पैसेज इन प्रोज कंटेनिंग एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन एंड डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ द गाइडेंस ऑफ द प्रीस्ट प्रीस्ट तो डायरेक्शन ऑफ द गाइडेंस ऑफ द प्रीस्ट है ना। इसके बाद क्या है, इसमें क्या होती है, ये वेग जो है कंटेन करता है एक तरह के पैसेज है ना, होती है इसमें प्रोज के फॉर्म में, जिसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है, डायरेक्शन दिया गया है किसका, जो पुजारी या सन्यासी होते हैं उनकी गाइडेंस के बारे में दिया गया है इसमें, ठीक है। इसको अथर्ववेद कहते हैं। और भी बातें हैं इसमें कि अथर्ववेद जो है एक्चुअली वैदिक रिलीजन रिलीजन वैदिक रिलीजन एज डिपेक्ट डिपेक्ट इन वेद कंसिस्ट ऑफ वर्शिप ऑफ ट्रिनिटी वर्शिप ऑफ ट्रिनिटी ऑफ गॉड। सपोज अग्नि फायर गॉड जिसको हम लोग कहते हैं अग्नि, अग्नि अग्निदेव अग्नि, फिर आता है रेन रेन गॉड जिसको हम लोग कहते हैं इंद्र, फिर आता है हम लोगों का अग्नि इंद्र, अब आता है हम लोगों का एयर विंड। तो फायर रेन इंद्र और एयर आ जाता है हम लोगों का। तो ये ट्रिनिटी तीन देवी के तीन देवताओं का जो है इसमें क्या करते हैं पूजा की जाती है। इस तरह के वेदों में क्या वर्णित है, तो जो हमारा अथर्ववेद है इसमें तीन वेद का वर्णन किया गया है। जैसे हमारा है फायर गॉड, इसको अग्नि कहेंगे हम लोग, रेन गॉड इसको हम कहते हैं क्या इंद्र, है ना। इंद्र क्या बोलते हैं, ये सारा किया है फायर गॉड अग्नि रेन गॉड आता है आपका इंद्र, और ये सारा चीज़ क्या है इसमें अथर्ववेद में इंक्लूड है, ठीक है। चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, अथर्ववेद में हम लोग क्या देखते हैं, कि द अप्रोक्सीमेटी अप्रोक्सीमेट 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 पीरियड ऑफ द वेद computed by historians is 4000 to 1000 BC 4000 to 1000 BC, ठीक है। चलिए ये जो अनुमानता जो बताया गया है कि वेदों की जो हमारे इतिहासकार है उनके द्वारा अनुमान लगाया गया है कि वेद के जो अप्रोक्सीमेट पीरियड है वो समय जो है वो इन्हीं दो के बीच में था, 4000 to 1000 BC के बीच में, बिफोर क्रिस्ट, है ना। कि बिफोर बीसी क्या है, बिफोर क्रिस्ट होती है जो हमारी ईशु है ईशु के जन्म के पहले का जो समय होता है ना, द बर्थ बिफोर द एक्चुअल टाइम बिफोर द बर्थ ऑफ ईशु, तो ये जो है बिफोर क्रिस्ट में आ जाता है ना। तो जो अप्रोक्सीमेट पीरियड होता है वेदों की वो कंप्यूटेड बाय द हिस्टोरियंस व्हिच इज व्हिच वाज 4000 टू 1000 BC, ठीक है। चलिए
अब हमारा लास्ट है, इसको हम लोग कहेंगे स्मृति। ट्रेडिशनल ये सोर्स में आता है हमारा, दूसरा है वो स्मृति, स्मृति 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 क्या है? इट इज नेक्स्ट टू वेद, यानी कि वेद का, वेदों की जो बात की जाती है उसको कहते हैं स्मृति। एंड इट इज नेक्स्ट टू वेद एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ हिंदू लॉ स्मृति क्या है? हमारी ये स्मृति है, स्मृति इसके भी क्या है, इसके भी चार पार्ट है, इसके चार पार्ट है। पहला है मनुस्मृति, मनुस्मृति। दूसरा है हमारा यज्ञ की स्मृति, स्मृति। तीसरा है हमारा, वो है हमारा नारदा स्मृति। और चौथा है हमारा सबसे लास्ट मनुस्मृति, यज्ञ की स्मृति, नारदा स्मृति। और तो लास्ट होती है वो है एंसियंट, ठीक है। तो स्मृति है मनुस्मृति, यज्ञ की स्मृति, नारदा स्मृति, स्मृति ऑफ एंसियंट। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं स्मृति में भी बताया गया है कि वेदों के बाद जो आती है वो स्मृति है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ है, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग स्मृति के विषय में आज हम लोग क्या क्या चर्चा की है, चलिए आज हम लोग ने देखा सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के सोर्स होते हैं, पहला ट्रेडिशनल सोर्स है ना, दूसरा है हम लोगों का मॉडर्न सोर्स, जिसमें ट्रेडिशनल सोर्स में हम लोग ने पहले देखा है द वेद। वेद मीन्स होते हैं नॉलेज, है ना। देयर आर फोर वेद विच वॉज द फाउंडर हेड ऑफ द हिंदू रिलीजन एंड लॉ। पहले वेद है हमारा ऋग्वेद, दूसरा है हमारा यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। फिर आती है वेद के, वेदों की जो बात है वो है हमारा स्मृति, है ना, जिसमें चार स्मृति की एक्सप्लेनेशन किया गया है हमारी इस पूरे हिंदू विधि में। चार स्मृति में पहला है हमारा मनुस्मृति, यज्ञाल की स्मृति, नारदा स्मृति, स्मृति ऑफ एंशियंट, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि वेद स्मृति। फिर आएगा हम लोगों का कस्टम, एक ऐसी पीरियड होती है जो वेद और स्मृति के बीच की है, द पीरियड बिटवीन द वेद एंड स्मृति इच वॉज कॉल्ड, विच इज एक्चुअली हैंडल बाय द कस्टम। वो कस्टम एक रीति रिवाज होती है, उसके थ्रू हैंडल, वो कंट्रोल की जाती है ना, वो चिन्हित की जाती है, विच इज मार्क्ड बाय द कस्टम। हम लोग कहते हैं जनरली कस्टम क्या है, वहाँ का रीति रिवाज क्या है। तो वेद और स्मृति दोनों के बीच की, है ना, वेद और स्मृति दोनों के बीच की जो पीरियड है उसको हम क्या कहेंगे, वो एक्चुअली में वो डिनोट किया जाता है कस्टम से, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।